नमस्कार दोस्तों, ओल्डी सिंफो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप जो दीवार में स्टैंड लगाते हो तो एंगल आप कैसे देखें। मैन होता है दोस्तों, जब आप जो ये वाला एंगल होता है, इस एंगल को अगर आप 90 डिग्री रखोगे तो आपका जो डिस्क का जो स्क्रू एंगल है LMB का, वो परफेक्ट आएगा। अगर ये आपका थोड़ा सा मान लो ऐसे तिरछा हो गया, ये ऐसे आडा हो गया या तिरछा हुआ, तो आपका जो स्क्रू एंगल है वो आउट हो जाएगा। तो आपको जो दीवार होती है उस पर स्टैंड को कैसे लगाना चाहिए, और अगर आपके पास फरस है तो फरस पे स्टैंड कैसे लगाना चाहिए, और दीवार पे भी क्या 2-3 तरह की दीवारें होती है, 9 इंच की होती है, 4 इंच की होती है, खड़ी ईंट की होती है, तो कैसे कैसे आप उनको लगाएं। तो इस वीडियो में आपको पूरा सेटअप बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की दीवार हो तो आपको स्टैंड कैसे लगाना होगा, और अगर आपके पास प्लेन जगह हो तो स्टैंड कैसे लगाना होगा, और अगर आपके पास लेवल मीटर है तो स्टैंड का जो एंगल होता है ये वाला, इसे 90 डिग्री कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपके पास फरस है या किसी लकड़ी के फंटे पे अगर आप लगाना चाहते हो तो इस तरह का आपका एंगल रहेगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियाँ कर देते हैं। जैसे मान लो ये पट्टा है तो इसका स्टैंड को ऐसा कर देते हैं या तिरछा कर देते हैं। नहीं, कई लोग ये सोचते हैं कि जो ये स्टैंड है इसे हम 90 डिग्री कैसे करें। तो 90 डिग्री करने के लिए आपके पास एक वाटर लेवल होना चाहिए, जो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इस वाटर लेवल से आपको 90 कैसे करना होगा, जो आपका ये वाला स्टैंड है, इस स्टैंड को 90 डिग्री किया जाता है। जो आप यहाँ स्टैंड देख रहे हो इसको 90 डिग्री किया जाता है। तो इसको 90 डिग्री देखने के लिए आपको ये वाला एंगल रखना होता है। ये देखिए ये वाला एंगल, अभी देखिए इस एंगल को अगर आप देखो तो यहाँ ये 90 डिग्री नहीं है, ये देखिए। तो इस एंगल को रखने के लिए आपको थोड़ा सा इस तरह से ये 90 डिग्री रखना हो, ये देखिए इस तरह से आप यहाँ देख रहे हो ना, ये गैप इस तरह से 90 डिग्री होगा। ये जो पानी का जो बुलबुला है, आप यहाँ देखो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये पानी का बुलबुला आपका बीच सेंटर में होना चाहिए। इस जगह अगर आपका बीच सेंटर में ये पानी का बुलबुला होगा तो आपका ये 90 डिग्री होगा। तो मेन होता है ये स्टैंड, अगर ये स्टैंड प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री पे चलेगा तो आपका जो LMB होती है, LMB का स्क्रू एंगल एक्यूरेट होगा। अक्सर लोगों के पास यही होता है कि ये 90 डिग्री नहीं हो पाता है और LMB का स्क्रू एंगल थोड़ा सा आउट हो जाता है, तो फिर क्या उनका डिस्क का सेटअप नहीं हो पाता। तो कभी भी आपको ये स्टैंड को 90 डिग्री करना है तो इस वाले लेवल से आपको करना होगा। ये देखिए इस वाले लेवल से, अगर आपको LED वगैरह लगाना है तो इस वाले लेवल से आपको LED वगैरह लगानी होती है। अब चलिए दीवार में हम 90 डिग्री कैसे किया जाता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ। अगर आपको दीवार में स्टैंड लगाना है तो देखिए ये तरह से, अगर बिना प्लास्टर की दीवार हो तो आपको ऊपर से कम 2 ईंट आपको छोड़नी होगी। अगर आप इसी ईंट पे छेद कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ गलती कर रखी है, इसी ईंट पे छेद कर दोगे तो यहाँ से ईंटें फट जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरह की दीवार हो और प्लास्टर नहीं किया हुआ हो तो आपको कम से कम 2 ईंट आपको ऊपर से छोड़नी होगी, तीसरी ईंट पर आप लगा सकते हो। देखिए जैसे मैंने ये स्टैंड लगा रखा, ये स्टैंड मेरे पास एक बड़ा डिश है, इस बड़े डिश में मैंने ऊपर से 3 ईंट छोड़ रखी है और यहाँ मैंने स्टैंड लगा रखा हूँ। तो अगर आप इस स्टैंड को लगाते हो तो मैन होता है ये पोजीशन 90 डिग्री करने के लिए। तो इस पोजीशन को आप इससे 90 डिग्री करो, ये देखिए पूरा एक्यूरेट लेवल 90 डिग्री है, आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए पूरा 90 डिग्री किया हुआ, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री आप देख सकते हो। तो आप अगर ऐसी दीवार पे लगाते हो तो ये वाला मेन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप 90 डिग्री करो, इसको 90 डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, मेन होता है ये वाला 90 डिग्री करना होता है। और जब आप स्टैंड पे दीवार पे स्टैंड लगाते हो तो आपको ऊपर से 2-3 ईंट छोड़ो और यहाँ साइड की ईंट पे आपको नीचे स्टैंड लगाना होगा। अब मान लीजिए आप जैसे सामने आपको डिश लगानी है और सामने सिग्नल आ रहे हैं और ये जो स्टैंड है आपको दीवार के पीछे लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे। तो यहाँ मैं आपको पूरा सेटअप बता रहा हूँ। अब ये देखिए जैसे मान लो ये दीवार है और इस दीवार पे मुझे पिछली साइड मेरा डिश एंटीना जाएगा, तो यहाँ मैं स्टैंड को कैसे लगाऊं। तो आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, स्टैंड पे अगर आपको दीवार पे प्लास्टर हो तो आप 1 ईंट पे या 1.5 ईंट पे आप ले लीजिए, अगर आपके पास प्लास्टर नहीं हो तो 2 ईंट आप लीजिए। और ईंट का जो सेंटर होता है या बीच में आपको बोल्ट होल करना होगा, यहाँ बीच में होल करना होगा, और आपका जो स्टैंड है इस दीवार से कम इतना ऊपर स्टैंड जाना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ,
इस दीवार से इतना ऊपर स्टैंड जाना चाहिए। जैसे ही आप इतना ऊपर स्टैंड इस दीवार से लगा दोगे तो उधर की साइड जो डिश एंटीना लगेगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और डिश एंटीना आराम से घूम जाएगा। तो अगर आप पीछे के फ्रंट पे अगर डिश लगा रहे हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा, स्टैंड आपका इस दीवार से काफ़ी ऊपर जाना चाहिए, कम से कम इतना ऊपर स्टैंड जाएगा तब जाके आपका एंगल सेटअप होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ अगर आपका डिस्क का एंगल पूरा 90 डिग्री होगा तो जो आपका एलएमबी का स्क्रू एंगल है प्रॉपर एक्यूरेट रहेगा और आपके जो डिस्क के जो सिग्नल है प्रॉपर तरीके से आएंगे। तो कभी भी आप डिस्क का एंगल लगाते हुए इस तरह की गलती नहीं करें, ये पूरा 90 डिग्री आप करो। और जो मैन होता है ये वाटर लेवल आपको 100-150 रुपये में मिल जाता है, ये वाटर लेवल आपको साथ रखना होगा। इस वाटर लेवल से आप LED लगा सकते हो और भी किसी चीज़ का 90 कर सकते हो और इसमें डिस्क के सिग्नल आपको प्रॉपर एक्यूरेट मिल आते हैं। तो इस तरह से आप इसे 90 करो, ऐसे 90 कर लो और इस तरह से आप 90 करो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए।